हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्जी आयरिश। दिस इज द पार्ट टू ऑफ आवर ट्रिप इन आयरलैंड। एंड हमने फर्स्ट वीडियो पे दिखाया था जो भी हम घूमे। अब इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे पे। आज मौसम भी अच्छा है, धूप है और हम जा रहे हैं जाइंट काइस कॉजवे। जाइंट कॉजवे बहुत ही बढ़िया है। यूके में आता है ना ये भी? यूके में आता है ये। और हम रेडी है, ये भी रेडी हो गया। गौरी ये भी रेडी है टिश्यू पेपर के साथ। स्टे ट्यून। हेलो गाइस, बाहर का मौसम बहुत बढ़िया है, ठंड है। आई थिंक 1 डिग्री टेम्परेचर है, फील्स लाइक -1 या -2 है। और अच्छा, आज का वाला दिन ना धूप निकला हुआ है। और ये पीछे घर देख रहे हो, हम यहाँ पे रुके थे। कितना प्यारा सा है ना, पहाड़ों पे, पहाड़ों के बीच प्यारा प्यारा सा घर, पूरा अच्छा सा बाउंड्री भी किया हुआ है। मतलब देखो पीछे घर, ऐसे घर बनाना है इंडिया में तो मजा आएगा। वो आ गया विजय। ये होना चाहिए रोड ट्रिप ऐसा, भाई गाड़ी सीधा रोड, विंडमिल, धूप, ठंड, टेम्परेचर भी आई थिंक 1 डिग्री होगा ना करीब। के बॉर्डर देखो कैसा, मतलब ऐसा कोई चेक नाका नहीं है यहाँ पे कि कोई बैठा फाटक खोल रहा है। सीधा सीधा आयरलैंड से यूके घुस जाओगे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि बॉर्डर क्रॉस हो गया। एक ही चेंजेस होता है, जितने भी स्पीड लिमिट होता है ना वो किलोमीटर पर आवर से माइल्स पर आवर हो जाता है। अगर पता नहीं दिखेगा तो देखो ये MPH पे आ जाएगा, तो आप समझ लो कि यूके बॉर्डर पे, यूके के अंदर हो। और फिर जैसे फिर KMPH आएगा वो फिर हम आयरलैंड वापस आ जाएंगे। तो अभी तो हम MPH में ही रहने वाले हैं और थोड़ा देर तक का, फिर आ जाएगा KMPH। ओके हेलो गाइस, अब हम जाएंगे यहाँ से, 1.5 घंटे का ड्राइव हो रहा है और बेलफास्ट जाएंगे, है ना? यूके टच करेंगे ना, यूके ही जा रहे हैं हम लोग बाय द वे, यूनाइटेड किंगडम। और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा व्यू है। और ये आज सुबह धूप निकली है तो कोई कहने ही नहीं यार धूप का। एक बार उधर कैमरा दिखा, सूरज यार, समंदर, सूरज, धूप, पहाड़, सब कुछ है। और यहाँ से अभी आई थिंक 1 से 1.5 घंटा का वॉक है। बहुत ही प्यारा व्यू है, बने रहना वीडियो पे। और सॉरी मेरे चिप्स भी गिर गए यार, उठाना पड़ेगा, यहाँ पे फेंक नहीं सकते कचड़े। चिप्स उठा लो, चलते हैं। और भाटिया भी आगे चल गया, पूरा का लंबा वॉक ऐसे सर्कल में समंदर। और यहाँ कहते हैं कि ये एक्चुअली ये है यूके में कम्प्लीटली। तो सबसे बेस्ट बात बताए, लास्ट वाली वीडियो जो आप देखोगे पार्ट 1 पे, हवा की वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आज भी ठंडा उतना ही है बट लकीली हवा नहीं चल रहा, धूप निकला हुआ है तो बेस्ट है। ये देखो ऐसा है, प्यारा सा है ना। अभी हम नीचे जाएंगे, ये ऊपर क्लिफ है, हम वहाँ पे भी जाएंगे क्लिफ में और हम नीचे भी जाएंगे। तो आप लोगों को मैं नीचे का भी दिखाऊंगा जो पूरा डाउन स्टेयर्स जाएंगे। ये देखो ऐसा है पूरा लंबा सर्कल वॉक और क्लिफ, काफ़ी टफ होने वाला है। जाइंट कॉजवे, ये देखो जाइंट कॉजवे पहाड़। ऊपर भी जाएंगे हम अगर हिम्मत बचा तो। ट्रायल स्टार्ट ही हुआ है, थकना चालू हो गया और ठंड बढ़ गई है, काफ़ी ठंड है। देखो क्या व्यू है ना, ये बस यहाँ पे क्या है ना, बस यहाँ से जाओ वॉक करो, पूरा चक्कर काटो, ऊपर जाओ पहाड़ पे, वहाँ से आसमान समंदर देखो एक साथ लगे हुआ, सटा हुआ है हाइट पे क्लिफ्स है। पूरा आयरलैंड में क्लिफ्स है, समंदर है, बस दो ही चीज़ है। आयरलैंड में क्या मिलता है, समंदर मिलेगा और पहाड़ मिलेगा, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी को नेचर से प्यार है ना, ब्यूटी, नेचर, ठंड, थोड़ा बहुत बारिश जो रोज़ होती है, तो आयरलैंड के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। ठंड इतनी हो गई ना इसलिए पहनना पड़ा। ये देखो
जाइंट कॉजवे एक्चुअली होता है ना, वो दिख रहा है मेरे पीछे, वो ऐसा लग रहा है ना वो गोबर का जो हम इंडिया में लगाते नहीं ऐसे दीवार पे, उस शेप में वैसा डाल रखा है। तो जाइंट कॉजवे मेन जो है ना, ये देखो जितने समंदर के किनारे पत्थर है ना, सब एक जो उसका टॉप है ना, सब एक शेप में, एक शेप में, ये देखो। और ये बहुत ही बड़ा एरिया है, और जितना भी इसका टॉप है ना, सब ऐसा चपटा चपटा पेड़ पेड़े की तरह है। यही है फेमस यहाँ पे फिलहाल, और ये बहुत बड़ा एरिया है। और ये देखो इनके फोटो शूट चल रही है यहाँ पे। ये आगे का व्यू देखना कितना बढ़िया व्यू आएगा। ये भाई साहब, ये 300 वाला टनल है ना। हाँ हाँ, तो आ गया ब्लॉग पे आ गया। तो ये देखो, ये प्यारा सा, अभी आगे भी जाएंगे, पहले ये वाला एरिया एक्सप्लोर करते और देखते कुछ अच्छा चीज़ आएगी नहीं इसमें यार। अब हिम्मत कर लिया मैंने, रास्ता खोल लिया चढ़ने का ऊपर, ठीक है अभी चढ़ते हैं। और ये ना देखो क्या स्लिपरी है। तो बिस्मिल्लाह बोल के चढ़ जाने का, और कैमरा के साथ वो भी। तो ये लोग भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। ओ यार आगे अच्छा है यार, पूरे एंड तक जाने का, मतलब यहाँ के बच्चे लोग इतने स्पीड स्पीड में चढ़ रहे हैं ना, हमारा तो भाई डर से हालत ख़राब हो रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं एक्सपर्ट होते हैं ये लोग क्लाइंबिंग में, सही में माउंटेन्स वगैरह, हमें आदत नहीं होता यार। ये देखो प्यारा सा व्यू यहाँ से, क्या बढ़िया है ना। वहाँ तक भी गए लोग, और आगे जो है ना बारिश हो रहा है, बादल से ना दिख रहा है पूरा बारिश हो रहा है। वो ये पहाड़ ना, पता नहीं इसमें कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये इतना ऊंचा पहाड़ है ना, ऊपर से पूरा खतरनाक समंदर दिखेगा। और सबसे बढ़िया बात है ना, आज बारिश नहीं है तो इसलिए थोड़ा अच्छा भी लग रहा, बट हवा बहुत चल रहा, और ग्लव्स भी नहीं पहना मैंने, तो मेरा हाथ फिंगर्स फिर से ठंड के मारे ना हालत ख़राब हो रहा है। तो अभी देखते आगे एंड पे जाके कैसा दिखेगा वहाँ से समंदर। पूरा मेहनत करो समंदर देखने के, वो देखो उधर वीडियो बना रहा है भाई साहब। ये जाइंट कॉजवे देखो, पत्थर सब दिख रहे, सब सेम एक लेवल पे। बारिश हो गया, इसका डर था, और छुपने का कोई जगह नहीं है, जितने लोग हैं सब भीग रहे, देखो छुपने का कोई भी जगह नहीं है। दूर दूर तक नहीं है, लाल हो गए हाथ पूरे, खतरनाक। मौसम कब बदल जाए ना कुछ पता नहीं यार, धूप था बताओ अभी 5 मिनट पहले। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आएगा, अब हम जा रहे हैं डार्क हेज, जो है यहाँ से थोड़ा दूर है, कुछ रास्ते में ज़्यादा स्पीड लिमिट नहीं है, यहाँ से निकल रहे हैं। धूप था, मौसम था, बारिश हो गया, अभी फिर क्लाउडी हो गया, फिर चलते हैं। अभी विजय तू चला गाड़ी, फिर अभी विजय ड्राइव करेगा, मैं रास्ता ब्लॉग बनाता हूँ एडिट करता हूँ। हम पहुँच गए डार्क हेजेस। डार्क हेजेस में क्या है पता है, गेम ऑफ थ्रोन्स किसने किसने देखा। तो गेम ऑफ थ्रोन्स का शूटिंग यहाँ पे हुई थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा सन्नाटा, मतलब लोग है लेकिन हवा नहीं चल रहा थोड़ा भी, और डार्क हेजेस जैसे लग रहे कि आप कभी झारखंड आओगे मेरे स्टेट पे, तो ऐसा ही लगता है कुछ। बाड़ी हर घर के पीछे ऐसा मिलेगा आपको, जो गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाया है। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, आगे अच्छा है, वो पूरा पेड़ से ऐसा रास्ता है और बीच से गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग है।
तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बस एक वो सीरियल्स के वजह से, मतलब वो सीरीज के वजह से, गेम ऑफ थ्रोन्स की वजह से ये एरिया काफ़ी फेमस हो गया है। और ये यूके में आता है तो सारे कुछ पार्किंग टिकट्स पॉन्ड्स में देने पड़ते हैं, तो पॉन्ड्स यूरो से महंगा है। और ये देखो थोड़ा सा प्यारा सा छोटा सा घर, ये देखो पहुंच गया भाई डार्क हेजस, जो बहुत ही फेमस है यूके में, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। आगे पूरा एक इंडियन ग्रुप है, कम से कम मैं तो दूर से नहीं आया, 7-8 लोगों का और हम 4, मतलब 12-15 इंडियंस हैं यहाँ पे। देखो ऐसा दिखता है डार्क हेजस, और आगे है, और आगे मतलब और आगे है, थोड़ा दूर जाके दिखाता हूँ ठीक है, वो ज्यादा अच्छा व्यू आएगा वहाँ से। फोटो क्लिक कर लो भाई तुम लोग, ये देखो खराब कर दी सारी, हमारे पास वही यही है जो है और नहीं है कुछ, बाकी कार भी दिख कर आते। यही है डार्क हेजेस, इतना फेमस। ये दो पेड़ है, कसम से बता रहा हूँ भाई, ये देखो यहाँ से दो पेड़ है और यहाँ से दो पेड़ है ठीक है। आदमी अगर डबलिन में है तो 400 किलोमीटर की ड्राइव, उससे भी ज्यादा, इतना लंबा ड्राइव करके आए ये देखने के लिए। जंगल, इधर भी जंगल, ये देखो क्या बात है, कैमरा मैन फोकस करो। तो ये है यार देखो, इसकी पार्किंग है जो 5 pounds की पार्किंग है, लगते हैं 5 pounds लगते हैं, वो मत देना। और इस रोड पे ना डायरेक्ट गाड़ी ले आना, क्योंकि कोई भी आओगे तो आप अपने ये गाड़ी पे ही आओगे, तो ये सीधा लेके आ जाना ठीक है, 5 pounds बचेंगे आपके। वो वैसे भी 10 minutes का है, ये 10 minutes में ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए 5 pounds देना वर्थ नहीं है। तो भाई लोग जाइंट कॉस्टवे से निकल के और यूके यूके ही जा रहे, तो एक प्रॉब्लम ये है कि क्या कहते हैं उसको, नेटवर्क नहीं होता है। तो हमने 2-3 लोगों से वाईफाई मांग के रोक रोक के मैप लगाने पड़े, क्योंकि हम सभी का नेटवर्क चला गया था। हम यूके में, आयरलैंड वाली सिम चल नहीं रही है, और अभी भी यूके में ही है, और आई थिंक आधा एक घंटे का और ड्राइव करेंगे, उसके बाद डंडोल्क निकलेंगे जो कि आयरलैंड में आता है फिर, और वहाँ से हमारा ट्रिप होगा ख़त्म, डबलिन पहुँचेंगे। फिलहाल रास्ते में कुछ खा लेंगे, भूख लग गया। और तीन कितने बज रहे हैं अभी, देखो 3:52 हो रहा है, 4 बजने वाले और ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया। बस इतना ही है, आगे अगर मौका मिले तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।